प्रदेश की योगी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की पहल के बाद आश्रम पद्धत विद्यालयों की छात्राओं के लिए पहल रंग लाने लगी है। आपको बता दें, आश्रम पद्धति विद्यालय की छात्राओं के लिए स्मार्ट्स कॉलेज के जरिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में तैयारी के लिए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की पहल के बाद एक्स नवोदय फाउंडेशन के ट्रस्टी और यलवन के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण तिवारी और समाज कल्याण मंत्री के बीच हुई पहल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, मिर्जापुर जनपद के मड़िहान स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रदेश के तमाम आश्रम पद्धति विद्यालयों की छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी स्मार्ट्स कॉलेज के जरिए कराई जा रही। योगी सरकार की मंशा है कि पढ़ें बेटियां, पढ़े बेटियां। इस मकसद से समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की पहल योगी सरकार की मंशा पर 100% खरी उतर रही है। यक्ष नवोदय फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर अरुण तिवारी का सराहनीय योगदान रहा है। डॉक्टर अरुण तिवारी ने पूरे मसले पे हमसे बातचीत की है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं यक्ष नवोदय फाउंडेशन के डॉक्टर अरुण तिवारी वाराणसी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये आश्रम पद्धति विद्यालय मड़िहान में जिस तरह से स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे मामले पर? सर, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है मड़िहान मिर्जापुर जी, मिर्जापुर में ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल होते हैं, जो कि पूरे प्रदेश में जी 93 स्कूल हैं जी, और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूल हैं, किसी जगह 3 हैं, किसी जगह 1 स्कूल है, तो ऐसे ऐसे 93 स्कूल हैं जी। हमारे ट्रस्ट को समाज कल्याण विभाग द्वारा के माननीय मंत्री जी असीम अरुण जी के सौजन से, उनके दिशा निर्देश से हमारे ट्रस्ट को परमिशन मिली जी, कि आप गरीब बच्चों को जी आप फ्री आप कॉस्ट एजुकेशन दे सकते हैं जी। और हमने उनके आदेशानुसार पूरे प्रदेश में एग्जाम लिया जी, ATS में आश्रम टाइप स्कूल जो उनके होते हैं जी, उसमें से हमने 40 लड़कियों को सिलेक्ट किया जी, जो कि बेहद ही गरीब घर से परिवेश से आते हैं जी। उन बच्चों को हम निःशुल्क मड़िहान मिर्जापुर में अपने ट्रस्ट के द्वारा जी, उनको 40 बच्चों को हम फ्री में IIT और मेडिकल का प्रिपरेशन 2 साल तक कराएंगे जी, जिसमें कि लॉजिंग और फूडिंग मतलब रहने और खाने की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई है उनकी स्कूल विद प्रीमाइसेज में जी, और उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उनका IIT और मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए हमारे टीचर हमारी फैकल्टी वहां पर काम कर रही है। वो भी इस काम के लिए हमें डिपार्टमेंट से कोई पेमेंट नहीं मिलेगा और ये हम निस्वार्थ रूप से अपना कर रहे हैं। नवोदय फाउंडेशन के जरिए लगातार आप जनहित के कार्य करते रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार की ये जो पहल हुई है? अच्छा है कि हमें परमिशन मिला, ये काम करने का मौका मिला जी, और क्योंकि हम लोग इस फील्ड में IIT और मेडिकल का प्रिपरेशन हम पिछले 17 सालों से करा रहे हैं जी। हमारी कोचिंग है जो बनारस में है, लेकिन इसके साथ साथ हमने 2016 में यक्ष नवोदय फाउंडेशन जो ट्रस्ट का स्थापना किया गया जी, जिसके तहत हम जवाहर नवोदय विद्यालय या दिल्ली गवर्नमेंट के विद्यालय या ऐसे बहुत से ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां पर बच्चों को हम लोग निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इसमें से अभी तक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा, मतलब आप कह सकते हैं नवोदय विद्यालय में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें 100% रिजल्ट रहा है जी, जी 100% मैं बोल रहा हूँ जी। यहाँ पर जो अभी समाज कल्याण विभाग संचालित आश्रम टाइप स्कूल में इसका पहला बैच अभी मुझे इसी साल जी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ है, मतलब पहला बैच है जी, और इसका अभी औपचारिक उद्घाटन भी माननीय असीम अरुण साहब जो समाज कल्याण मंत्री हैं उनसे हम लोग परमिशन ले रहे हैं कि वो अपना बहुमूल्य समय दे। योगी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की पहल के बाद यक्ष नवोदय फाउंडेशन की ओर से शैक्षणिक व्यवस्था का छात्राओं पर कितना पड़ा है असर, क्या आया है बदलाव, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दीनदयाल आश्रम पद्धति विद्यालय मड़िहान में मौजूद हैं, जो देवरी कला ग्राम पंचायत के अधीन आता है। यहाँ के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है बेटा? सर, मेरा नाम
पढ़ने में क्या सोच? तो बहुत बड़ा है, पहले अच्छा सा पढ़ाई से मतलब सब कुछ बदलाव। हम जो आप लोगों को बातें बता रहे थे, आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, तो जो अभी शुरुआत हुई है L1 के जरिए आप सभी को शिक्षित किया जा रहा है, पठन पाठन में कितनी सहूलियत मिल रही है? कितना पहले तो इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब समझ में आने लगा। जो एक्स्ट्रा क्लास चल रही है इससे कितना सा? उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया स्तर पे देखा जाए तो L1 की एक अलग पहचान है। श्रम पद्धति विद्यालय में इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, वो अपने आप में अनूठा है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण तिवारी दोनों के स्तर से इस पहल को एक नया मूर्त, एक नया जामा दिया जा रहा है। वैसे भी राज्य सरकार की यह पहल है, योगी आदित्यनाथ सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि बेहतर शिक्षा मिले, और ख़ास तौर से बेटियों के लिए जो नारा है पढ़े बेटियां, उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है। बहरहाल आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ? हमारे बच्चों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया, से वो डरते हैं, सारी चीज़ें इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और उनको अब मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी फर्क आ रहा है, पहले से काफ़ी चेंज है, और बहुत लगन से तैयारी करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना पढ़ाई में लगे रहते हैं, और काफ़ी बदलाव मुझे आया है पहले की अपेक्षा, क्योंकि मैं तो इतने सालों से एक परिवर्तन, एक बदलाव की दिशा में प्रदेश शासन और L1 का सराहनीय प्रयास है। विभिन्न जनपदों के ये बच्चे हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय से ही हैं सभी, और जिस तरह से इनको शिक्षित किया जा रहा है वो अपने आप में एक अलग है। मैं संदेह आने वाले दिनों में राज्य सरकार की इस पहल का बड़ा असर देखने को मिलेगा, और खासतौर से अगर बेटियों की हम शिक्षा की बात करें तो आश्रम पद्धति विद्यालय से शुरू हुई ये पहल आगामी दिनों में रंग लाएगी। UPSC से लेकर नेट JEE समेत तमाम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में यही बेटियां जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगी। आश्रम पद्धति विद्यालय मणिहान से मैं मिथिलेश द्विवेदी,